आजकल घरों में काम बहुत है, सुबह से लेकर रात तक काम ही काम रहता है, तो ऐसे में ये कहना कि अपनी केयर करनी चाहिए, अपना स्किन और बाल का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना डाउन नहीं हो जाना चाहिए, पर करें कैसे? इतना तो थक जाते हैं इतने सब काम के बाद। वो ऐसे पैक्स हों, इतने सरल से हों जो अप्लाई करते हुए अपने घर के सारे काम निपटाते रहें और जब नहा धो के निकले तो मस्त एंड बिंदास दिखे। नमस्कार, मैं हूँ पायल सिन्हा, एक हर्बल एक्सपर्ट। आज बताएंगे कुछ बहुत सरल एंटी एजिंग पैक्स। तो आप नोट कीजिए, हरी अंकुरित मूंग, 3 चम्मच आपने अंकुरित दाल को पीस लिया और जब दाल आपने पीसा तो उसी में चावल भी डाल दिया 3 चम्मच, दोनों चीज़ें आपने बराबर डाल दिया और पीस दिया, पेस्ट बन गया, उसी में दही डाल दिया और उसको चला के आपने छोटे से स्टील के कंटेनर में रख दिया। एज ए प्रिजर्वेटिव आधा नींबू डाल दिया और ये पैक आपने फ्रिज में रख दिया। आप उस फेस पैक को ऐसे पूरे फेस पे चिन तक लगा दीजिएगा। 20 मिनट के बाद आपको हल्का सा खिंचाव और इचिंग लगेगी और उसी के बाद आपको ये समझ जाना चाहिए कि अभी मेरा पैक हो चुका है। बस इसकी आप मसाज करिए और आप धो दीजिए। इतनी जल्दी आपको स्किन टाइटनिंग लगेगी, कसा हुआ फेस लगेगा कि आपका ये मन होगा कि हम इसको रोज करें। पर एक सेकेंड, इसको रोज नहीं करना है, इसको हफ्ते में 3 बार, यानी कि एक जो पैक आप बनाएंगे वो कम से कम 10 to 15 days चल भी जाता है। तो ये पहला हो गया एंटी एजिंग और दूसरा एंटी एजिंग फेस पैक। आपने 3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ली और करीब आधा कटोरी एलोवेरा का पल्प लिया फ्रेश, दोनों को मिला दिया, फेंट लिया और आधी चम्मच इसमें हल्दी डाल दी। अब ये एक फेस पैक तैयार हो गया एंटी एजिंग। इस पैक को आप बना के रख दिया, कोई भी काम करने जा रहे हैं उसके पहले फेस पे चिपका लीजिए। हम तो ऐसे ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए, जब आपको घर के काम करने हैं तो कोई ऐसा पैक नहीं लगा सकते जिसको लगा के आप मूव कर सकें, काम कर सकें। ये पैक कैसे होते हैं, एकदम चिपक जाते हैं। तो जब आपने नेक तक लगा लिया, आप अपने आराम से काम करते रहिए। जब आपके काम लगा, आपके काम भी ख़त्म हो गए, उधर आपका फेस भी ड्राई हो गया, हाथ धोए, हल्की सी मसाज करी और आपने धो लिया। तो ये 2 एंटी एजिंग पैक आपकी किसी भी टाइप की स्किन लूज़ हो रही होगी, आप ध्यान से देखिएगा, आपको विद इन 21 डेज इस चीज़ में आपको एक गुड डिफरेंस दिखेगा।